हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे उन्माद निदान के आगे भूतोन्माद, कि उन्माद में एक प्रकार कहा गया है या फिर एक जिसमें कि ग्रह, नक्षत्र, भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि के कारण क्या होता है, कुछ जो उन्माद ऐसे जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इन्हें कहा गया है भूतोन्माद। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो भूतोन्माद के समान लक्षण में क्या होते हैं, अमत्य वाग विक्रम वीर्य चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलाधिर्भिय उन्माद कालो अनियतस्य तस्य भूतोत्थ उन्माद उदाहरित्रम। मीन्स इसमें बोला है कि जिस व्यक्ति की क्या है वाणी, वाग बोला है वाणी, विक्रम पराक्रम, ठीक है, उसके बाद उसकी शक्ति, वीर्य मीन्स वहाँ पर शक्ति की बात कर रहे हैं, और चेष्टा ये जो होती है वो क्या होती है, अमत्य होती है, मीन्स कि मनुष्यों से अधिक होती है या विचित्र होती है, अधिक होती है विचित्र होती है, और जो क्या होता है मानव के समान नहीं, मतलब कि अमानव के समान ज्ञान विज्ञान बल आदि से क्या होता है युक्त होता है, मीन्स कि मानव के पास जितना ज्ञान विज्ञान बल है उससे अधिक बल उसके पास रहेगा, वैसे ही विक्रम और शक्ति चेष्टा वाणी ये भी क्या रहेगी, और चेष्टाओं से मतलब मनुष्य की चेष्टाओं से विभिन्न रहेगी या फिर विचित्र रहेगी या अधिक रहेगी, ठीक है। तो इन उन्माद का जो काल होता है वो क्या होता है, अनियत होता है, अर्थात कि जो वातज आदि उन्मादों में हमने जो एक निश्चित समय या निश्चित वेग को देखा ऐसा इसमें नहीं मिलेगा, ये क्या रहेगा उनके समान निश्चित नहीं रहता, इसमें अनिश्चितता रहती है। तो इसे क्या बोला है, ऐसे रोगी को उन्माद के भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद हम इसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे, भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद। तो यह है भूतोन्माद के समान लक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं देवजुष्ट लक्षण, कि देवजुष्ट इसी में देव ग्रह हो गया, ठीक है, पिशाच ग्रह हो गया, गंधर्व हो गया, तो ऐसे सारे हम देखेंगे। तो इसमें पहला है क्या है देवजुष्ट लक्षणम, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि देवजुष्ट उन्माद जो है उसमें संतुष्ट सुचि सुचिरति दिव्यम आल्यगंधो निस्तंद्रित संस्कृत प्रभासी तेजस्वी स्थिर नयनो वर प्रदाता ब्राह्मणो भवति नर स देवजुष्ट, अर्थात कि देवग्रह के कारण वो क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, मतलब कि पागल मनुष्य के समान जिसको कि कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, उसके मन के विषय जो होते हैं वो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उसके समान ये संतुष्ट रहेगा, ठीक है, पवित्र रहता है। उसके बाद उसके शरीर में क्या होता है, कुछ पुष्पों के उत्तमोत्तम अच्छे अच्छे पुष्पों की गंध आने लगती है, तो गंध माल्या मतलब कि पुष्पों के समान गंध आना। उसे निद्रा और तंद्रा भी नहीं आती, निस्तंद्री मतलब कि निद्रा तंद्रा उसे नहीं आती, और वो क्या बोलता है, सत्य बोलता है, और सत्य बोलने के साथ में वो शुद्ध संस्कृत में प्रभास करता है, मतलब वो संस्कृत को क्या धारा प्रवाह के साथ में एकदम अच्छे से संस्कृत बोलेगा। तेजस्वी होता है, स्थिर नैनो नेत्र स्थिर होते हैं, वर प्रदाता मतलब लोगों को वरदान देता रहता है, आशीर्वाद देता रहता है, जैसे ब्राह्मण वरदान या आशीर्वाद देते हैं वैसे ही क्या करता है वो आशीर्वाद देता रहता है, और ब्राह्मणों की पूजा भी करता है, ठीक है, ब्राह्मणों की पूजा करेगा, आसपास के लोगों को ब्राह्मणों के समान आशीर्वाद या वरदान भी देता रहता है। तो ये होता है देवजुष्ट लक्षण, जो देवों में लक्षण होते हैं वे सारे लक्षण यहाँ पे इस पुरुष में मिलेंगे। उसके बाद है असुरजुष्ट लक्षण, जिसे क्या बोलेंगे हम, देव शत्रु या दानव भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, संस्वेदी द्विज गुरु गुरुदेव दोष वक्ता जिह्वा अक्षो विगत भयो विमार्ग दृष्टि संतुष्टो न भवति च अन्नपान जाता है दुष्टात्मा भवति स देव शत्रु जुष्ट। देव शत्रु उन्माद या असुर जुष्ट उन्माद में क्या बोलेंगे कि दानव ग्रह से उत्मत्त, यहाँ पे देव शत्रु मीन्स क्या हुआ कि असुर हो गया दानव हो गया, तो इस ग्रह से उन्मत्त जो मनुष्य होता है वो संस्वेदी पसीना बहुत अधिक आएगा, द्विज गुरु और देवता मीन्स की द्विज मतलब ब्राह्मण गुरु और देवताओं के दोषों का वर्णन करता है, दोष वक्ता उनके दोषों का वर्णन करने वाला होता है, जिह्वा अक्षो आँखें क्या रहती है तिरछी रहती है, वह किसी से डरता नहीं है, ठीक है, विगत भयो विमार्ग दृष्टि वह किसी से नहीं डर रहा है, विगत भयो भय से दूर हो गया, विमार्ग दृष्टि मतलब कि उसकी जो दृष्टि होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छे मार्ग की ओर चलने की नहीं होती बल्कि कुमार्ग की ओर चलने की होती है, संतुष्टो न भवती ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कितना भी अन्न पान इसे मिले कितनी भी अच्छी चीज़ें इसे दें बट इसे तृप्ति नहीं होती, और ये क्या होता है दुष्ट आत्मा मतलब कि दुष्ट प्रकृति का होता है,
तो असुर जुष्ट वाला क्या रहेगा, उसे पसीना अधिक आएगा। ब्राह्मण गुरु देवताओं के दोषों को बताएगा जबकि उसमें अच्छाई को नहीं बताएगा, उनके दोषों को बताएगा। आंखें तिरछी रहती है, किसी से डरता नहीं है, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है, मतलब कोई भी कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होती है, कुमार्ग में चलने जैसी होती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसे कितना भी अच्छा खाने को दे दें उसे तृप्ति नहीं होती, और उसकी दुष्ट प्रकृति होती है। तो ये होते हैं असुर जुष्ट लक्षणम। नेक्स्ट है गंधर्विष्ट। ठीक है, गंधर्विष्ट में क्या होगा, हिष्ट आत्मा पुलिन वनांत रूप सेवी स्वाचार प्रिय प्ररिगित गंधम आल्य नृत्यन्वय प्रहर्षति चारु चाल्प शब्दम गंधर्व ग्रह परिपीड़ितो मनुष्यः। इसमें बोला है हिष्ट आत्मा मीन्स कि वो हमेशा प्रसन्न रहने वाले आत्मा, मतलब वो अच्छा लगेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। पुलिन वनान नरोप सेवी, और साथ में वो नदी के किनारे या उपवन में घूमने से उसे बहुत अधिक आनंद आता है। कहाँ, नदी के किनारे या उपवन में वो घूमने वाला रहता है, उसमें घूमते हुए बहुत अधिक आनंद लेगा, उसकी वो क्या सदा प्रसन्न रहेगा। स्वचार, उसका आचरण भी बहुत अच्छा रहता है, शुद्ध आचरण वाला होता है। प्रिय परिगित गंधम आल्य, और साथ में उसे संगीत हो गया और गंधमालाओं से बहुत अत्यधिक प्रेम रहता है। नृत्यन्वय मतलब क्या हो रहा है, वो सुंदरतम रूप से नाचता रहता है, ढंग से नाचता हुआ मंद मंद मुस्कुराता भी रहता है, और साथ में अल्प शब्द बहुत ही कम बोलता है। तो ये क्या होते हैं, गंधर्व ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए, मीन्स कि वो प्रसन्न रहे, नदी के किनारे या उपवनों में आनंद के साथ घूमता रहे, आचरण भी अच्छा हो, संगीत को पसंद करता हो, गंधमालाओं से अधिक प्रेम करता हो, सुंदरतम ढंग से नाचता हो, हंसता हो, कम बातें करता हो, ये क्या होता है, गंधर्व ग्रह से पीड़ित होता है। नेक्स्ट है यक्षाविष्ट लक्षणम। इसमें क्या है, ताम्राक्ष प्रिय तनु रक्त वस्त्रधारी गंभीरो द्रुतगतिर अल्पवाक सहिष्णु तेजस्वी वदती च किम ददामी कस्मै यो यक्ष ग्रह परिपीड़ितो मनुष्य। इसमें बोला है ताम्रक्ष, जिस उन्मादी की आंखें कैसी होती है, लाल होती है। ताम्रक्ष मतलब लाल आंखें, तांबे के समान जो कलर है, तो इसे बोल दिया गया है ताम्र के समान उसकी आंखें दिखेगी। प्रिय तनु रक्त वस्त्रधारी, वो सुंदर रहेगा, बारीक रहेगा, और क्या होगा, लाल रंग के वस्त्र को धारण करने का शौक रखता है, गंभीर होता है, द्रुत गति शीघ्रगामी होता है, साथ में अल्पवाक कम बोलने वाला, और सहिष्णु मतलब कि सहनशील होता है, तेजस्वी होता है, और जो क्या बोलता है, वदती च कम ददामी कस्मै यो मीन्स कि जो सर्वत्र कहे कि किसे मैं क्या दूँ, किम ददामी कस्मै, किसको मैं क्या क्या दूँ, ऐसा हमेशा कहता रहता है, वो क्या है, यक्ष ग्रह से पीड़ित होता है। अर्थात कि जिसके क्या है, जिस उन्मादी की आंखें लाल हो, प्रिय भी हो, लाल रंग के वस्त्र धारण करता हो, तनु हो, गंभीर हो, शीघ्रगामी हो, कम बातें करता हो, सहनशील हो, तेजस्वी हो, किसे क्या दूँ, ऐसा हमेशा कहता रहता हो, ये क्या होगा, यक्ष ग्रह से पीड़ित होगा। नेक्स्ट है पितृजुष्ट लक्षणम। प्रेतानाम स दिस्ति संस्तरेषु पिंडान शांतात्मा जलम अपि च अपश्व्यवस्त्र मांसेप्सु तिलगुड़ पायसा अभिकामस्त तद्भक्तो भवति पितृग्रहा अभिजुष्ट। अर्थात कि इसमें बोला है प्रेतानाम सदिस्ति, पितृग्रह से पीड़ित जो उन्मत्त व्यक्ति क्या रहेगा, शांत रहेगा, परंतु दक्षिण कंधे पे मीन्स कि राइट शोल्डर पे वस्त्र आदि को डालेगा और कुश आदि से बने आसन में हमेशा पितरों का पिंड दान करता रहता है, उनके आत्मा की शांति के लिए जल दान का उपक्रम करता रहता है। अर्थात कि पितरों को पिंड दान और जल दान का उपक्रम करता रहे और हमेशा क्या रहे, अपने दक्षिण कंधे पे वस्त्र को डालकर कुश आदि के बने आसन पर बैठकर ये कार्य करे और वो हमेशा उन्मत्त रहकर भी शांत रहता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, और ये क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मांसेप्सु मांस को, तिल को, गुड़ को और पायस खीर आदि पदार्थों को में अधिक रुचि रखता है और पितरों का भक्त भी होता है। ठीक है, पितरों का भक्त भी रहेगा, मांस तिल गुड़ और खीर को अधिक प्रसन्न मतलब पसंद करेगा, तो ये क्या रहेगा, पितृग्रह से के जो लक्षण होते हैं उसके पीड़ित रहेगा, मतलब पितृग्रह से पीड़ित उन्माद वाला होता है। उसके बाद है नागाविष्ट, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सर्पग्रह जन्य उन्माद। ठीक है, भुजंग दुष्ट सर्पग्रह जन्य उन्माद में क्या होगा, यस्तुवा प्रशरती सर्पवत कदाचित श्रृकर्ण्यो विलिहति जिह्वया तथैव क्रोधालुर्गुणम गुड़मधु दुग्ध पायसेप्सु सुज्ञातव्यो भवति भुजंग मेन दुष्ट। जो मनुष्य कभी कभी क्या करने लगेगा, प्रसरति सर्पवान
सांप के समान भूमि में लेट कर, भूमि में पेट के बल लेट कर क्या करेगा, सरकता रहता है, जीभा से वोंटों को चाटता रहता है, ठीक है, अत्यधिक क्रोधी होता है और गुड़ शहद दुग्ध और खीर आदि पदार्थों की बहुत ही इच्छा रखता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ऐसे उन्माद वाले व्यक्ति को सर्प ग्रह से पीड़ित व्यक्ति समझना चाहिए। मीन्स की जो सांप के समान भूमि में पेट के बल लेट कर सरकता रहता है और जो जीभा से हमेशा ओंठों को चाटता रहता है, क्रोधी भी होता है, गुड़ शहद दूध खीर की इच्छा रखता है, उसे सर्पग्रह से पीड़ित हम कहेंगे। इसके बाद है राक्षस अविष्ट, मतलब राक्षस ग्रह जन्य उन्माद। इसमें है मांस श्रिक विविध सुरा विकार लिप्सु निर्लज्जो वृषमति निष्ठुरो अतिसुर क्रोधालु विपुर बलो निशाविहारी शौच द्विंग भवती स राक्षसैर गृहित। जो क्या करेगा, राक्षस ग्रह जन्य से उन्माद से पीड़ित रहेगा वो रोगी मांस को, अश्रिक रक्त को और विविध प्रकार के शराबों को, मद्य को क्या करेगा, चाहता है, निर्लज्ज होता है, कठोर प्रवृत्ति का होता है, निष्ठुर और साथ में अतिसुर पराक्रमी भी होता है, और ऐसे रोगी को क्रोध भी अधिक आएगा, उसमें शक्ति विपुल बल शक्ति भी बहुत अधिक होती है, निशा विहारी रात्रि में घूमता है और क्या रहेगा, शौच द्वित मीन्स की पवित्रता से वो द्वेष करता है, मतलब अपवित्र लायक रहता है, बहुत ही गंदे में रहना उसे पसंद रहता है। तो क्या हुआ, इसमें जो मांस रक्त और अन्य प्रकार के सुराविकारों को पसंद करता है, निर्लज्ज होता है, कठोर होता है, पराक्रमी होता है, क्रोधयुक्त होता है, बल वाला होता है, मतलब बलवान होता है, रात्रि को उसको चरण करना घूमना अच्छा लगता है, और जो कि अपवित्रता के साथ में रहता है वो राक्षस ग्रहजन्य उन्माद से पीड़ित रहता है। इसके बाद है पिशाच विष्ट लक्षणम, उद्ध्वस्त कृष पुरुषो अचिर प्रलापी दुर्गंधो भृषम सुचिस्त था अति लोलह भव्याशी विजन वनांतरोप सेवी व्याचिष्टेन भ्रमति रुदन पिशाच दुष्ट। इसने बोला है उद्ध्वस्त, जो मनुष्य भुजाएं ऊपर उठाकर खड़ा रहेगा, ठीक है, भुजाएं ऊपर उठा दिया है, या उद्ध्वस्त्र अगर बोलेंगे तो उद्ध्वस्त्र मतलब होता है जो क्या करता है, नग्न रहता है, जिसका मांस भी क्षीण हो गया हो, ठीक है, क्रिस पुरुष है तो जिसका मांस भी क्षीण हो गया हो, अचिर प्रलापी बहुत ही रुक रुक कर रुक्षता के साथ भी रहेगा और बहुत ही रुक रुक कर क्या करता है, वो प्रलाप करता है, अर्थात कि भुजाओं को उठाकर रहता है, और जिसका मांस कृष है तो क्षीण हो गया हो, परुष मतलब रुक्ष भी हो, चिर प्रलापी मतलब कि रुक रुक कर प्रलाप करता हो, जिसके शरीर से दुर्गंधी आती है, मतलब कि जो क्या होती है, मतलब बहुत ही गंदे से रहेगा तो क्या होगा, शरीर से दुर्गंध आएगी, और वो साथ में व्यव्याशी मतलब लोभी होता है और अत्यधिक भोजन भी करता है, ठीक है, अति लोलह अति लोभी रहेगा और साथ में अत्यधिक भोजन भी करता है, निर्जन वनों में घूमता रहता है और विरुद्ध चेष्टाओं को करता है, ठीक है, निर्जन वन में घूमता रहेगा, विविध चेष्टाओं को करेगा और रोता हुआ इधर उधर घूमता है, रुदन भ्रमति रुदन मीन्स की रोता हुआ इतस्त घूमता रहता है, तो ये क्या रहेगा, पिशाच रोग से पिशाच ग्रह से पीड़ित रहेगा। क्या बोल रहे हैं इसमें, भुजाओं को ऊपर उठाता हुआ रुक्ष रूप से और साथ में जिसके मांस भी क्षीण हो गए होंगे, प्रलाप करता हो, दुर्गंधी युक्त हो, गंदगी में रहता हो, पवित्र ना हो, बहुत ही लोभी हो और साथ में अतिरिक्त भोजन भी करता हो, वनों में विचरण करता हो और रोते हुए घूमता रहता है, विपरीत चेष्टाएं करता है, तो ये क्या होगा, पिशाच ग्रह से पीड़ित रहेगा। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से भूतोन्माद के ये लक्षण थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भूतोन्मादस्य मतलब कि सिर्फ उन्माद के लक्षण नहीं है, यहाँ पे उन्माद के असाध्य लक्षण भी कहे हैं। तो उन्माद के असाध्य लक्षण में देखते हैं, स्थूल लक्षो द्रुतम अटन सफेन लेहि निद्रालु पतति च कंप्यते च यो हि यश्वाद्रिर्द्विर्दन दनगादि विच्युत श्यातशो असाध्य भवति तथा त्रयोदशाब्दे। स्थूलाक्षो, जिसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई हो या जिसकी दृष्टि विस्फारित तो फैली हुई लगे, बाहर की ओर निकली हुई लगे, ठीक है, द्रुतम अटन जो जल्दी जल्दी चलता हो, सफेन ले ही मुख से लाला स्त्राव निकालता हो, निद्रालु हो, निद्रा अधिक आती है, ठीक है, कंपन करता हो, तो ऐसा रोगी क्या रहेगा, उन्माद का जो रहेगा वो असाध्य रहेगा। इसके बाद बोला है जो क्या हो, अचानक गिर पड़ता हो, ठीक है, साथ में कांपता रहे और जो पर्वत हाथी और वृक्ष में से गिरकर पागल हो जाता है वो असाध्य होता है।
मीन्स की जो क्या है कि जिसकी आंखें बाहर निकल गई है, दृष्टि विस्फारित है, जो जल्दी जल्दी चलता है, मुख से लालस त्राव को निकलता है, साथ में उसको पतती चाटता भी रहता है, कंपन करता है, निद्रा उसे अधिक आती है, अचानक गिर भी पड़ता है, यश्वादिर्वृद्ध वदन, ठीक है, कांपता रहता है, और पर्वत हाथी और वृक्ष से गिरकर क्या होता है, विच्युत, गिरकर पागल हो जाता है, ये क्या होता है, असाध्य होता है। इसके साथ में एक बोला है त्रयोदशाब्दे, 13 वर्ष पुराना, ठीक है, 13 वर्ष पुराना होने पे वो उन्माद क्या हो जाता है, असाध्य, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 वर्ष पुराना उन्माद क्या होता है, असाध्य होता है, तो ये है इसके असाध्य लक्षण। इसके बाद हम देखते हैं देवग्रह का काल, कि इतने सारे जो देवग्रह हमने देखे वो कौन कौन से काल में आक्रमण करते हैं, तो क्या बोला है, देवग्रह पौर्णिमाश्याम अशुरा संध्यरपि गंधर्वा प्रायशो अष्टम्या यक्षाश प्रतिपद्यत पितृया कृष्णक्षये हिंस्यु पंचम्यामपि चोरगः रक्षांसि रात्रौ पैशाच चतुर्दश्या विशन्ति ही। मतलब कि जो देवग्रह होते हैं वो पूर्णिमा के दिन आक्रमण करते हैं, पौर्णिमाश्यन, पूर्णिमा के दिन आक्रमण करेंगे, पूर्णिमा के दिन उसमें कोई दौर आएगा, वेग आएगा, तो देवग्रह समझेंगे, ठीक है। प्रायः या सायं दौरा हो, ठीक है, प्रातः में या फिर बहुत शाम को, सायं, दोनों टाइम दौरा हो, उससे वेग आए, तो हम उसे बोलेंगे कि ये असुर ग्रह का है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे गंधर्व, तो गंधर्व में क्या बोला है, गंधर्व प्रायशो अष्टमा, अष्टमी के दिन आता है वेग, तो गंधर्व ग्रह हो गया। प्रतिपदा, प्रतिपदा के दिन आता है तो यक्ष ग्रह। उसके बाद है अमावस्या कृष्ण क्षय, ठीक है, कृष्ण क्षय मीन्स अमावस्या, कृष्ण पक्ष जैसे आता है अमावस्या होगी, शुरू होगा तो अमावस्या में आएगा तो पितृग्रह, पंचमी में आएगा तो क्या बोलेंगे इसे, सर्प ग्रह, और उसके बाद में रात्रि में आएगा तो राक्षस ग्रह, और चतुर्दशी को आएगा तो पिशाच। रिपीट करती हूँ ये मैं, पूर्णिमा में आएगा तो देव ग्रह, प्रातः और संध्या को आएगा तो असुर, अष्टमी में आएगा तो गंधर्व, प्रतिपदा में आएगा तो यक्ष, अमावस्या कृष्णक्षय में आएगा तो पितृ, ठीक है। उसके बाद है सर्पग्रह पंचमी, रात्रि में राक्षस, और पिशाच जो है वो चतुर्दशी, तो ये इनके क्या है, वेग आने के काल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रहों का प्रवेश कैसे होता है, कि ये सारे ग्रह शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, तो क्या बोला गया है, दर्पणादीन यथा छाया शीतोष्णम प्राणिनो यथा स्वमणि भास्कराश्चिश्च यथा देहम च देहदृक् विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तच्छरीरिणः प्रविश्याशु शरीरम ही पीड़ा कुर्वन्ती दोषः। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में इनका प्रवेश किस प्रकार से होता होगा, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे दर्पण आदि जो चमकीली वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है, कोई भी प्रतिबिंब प्रवेश करता है, वैसे ही क्या होता है, किसी भी प्राणी में कोई भी शीत या उष्णता प्रवेश करती है, हमको कभी भी ठंडा लगता है, कभी भी गर्म लगता है, साथ में दर्पण आदि के में प्रतिबिंब हमने पढ़े हैं, पहले भी देखा है, स्कूल टाइम में हमने पढ़ा है कि दर्पण में मिरर की में जो प्रतिबिंब होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ये सब चीज़ें देखे हैं, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो प्रवेश करता है वो, और वैसे ही हमारे प्राणियों में क्या होता है, अदृश्य शीतता और उष्णता का प्रवेश हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, वो अदृश्य रूप से होता है। जिस प्रकार सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्यकांत मणि में जाती है, ठीक है, और वैसे ही क्या अदृश्य आत्मा भी शरीर में प्रवेश करता है, ये सारी चीज़ें जो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप से होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो ग्रह होता है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो कि हमें चर्म या चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, हम उनको चक्षुओं से नहीं देख सकते कि वो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, वैसे ही जैसे कि क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सूर्यकांत मणि में, अदृश्य आत्मा शरीर में, दर्पण वाली चमकीली वस्तु में प्रतिबिंब, और प्राणियों में अदृश्य शीतता और उष्णता का प्रवेश, तो वैसे ये ग्रह भी प्रवेश किए, और ये ग्रह शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को पीड़ा देते हैं, अर्थात कि शरीर को भी और मन को भी अपने तेज से प्रभावित करते हैं और उसे दूसह मतलब कि पीड़ा युक्त कर देते हैं। तो यह ग्रहों के प्रवेश करने का निरूपण कि कैसे ये ग्रह प्रवेश करते हैं। इसके बाद है इनकी तीव्रता क्या होती होगी, ये प्रवेश करते हैं जब ये दुष्ट ग्रह शरीर में,
तो वहाँ पे दूसरे पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि वो देव आदि ग्रह स्वयं ही उक्त प्रकार के मनुष्य में प्रविष्ट होते हैं। क्या संदेह, कैसे होते होंगे, क्यों होते होंगे? तो इसमें बोला गया है तपांसी तीव्राणी तथैव दानम व्रतानी धर्मो नियमश्च सत्यम गुणाश्चा अष्टावपि तेषु नित्याव्यस्ता समस्ताश्च यथा प्रभावम् न ते मनुष्येशः संविशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिद् विशन्ति ये त्वा विसन्तीति वदन्ति मोहाते भूत विद्या विषयादपोह तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटिशः अष्ट युत पदसंख्याया अशिकवशा मांसभुज सुभिमा निशाविहाराश्च तथा अविशन्ति इति माधव विरचिते माधव निदान उन्मादिदानम समाप्तम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दुष्ट ग्रह मनुष्य के शरीर में अदृश्य रूप से प्रविष्ट होकर पीड़ा पहुँचाता है, ये तो हमने देखा। तो देव आदि जो ग्रह होते हैं वो तप दान व्रत धर्म नियम सत्य और अष्टगुणा अष्टविध जो सिद्धियाँ कही गई है वो नित्य रहती है। तो देव आदि ग्रहों में ये सभी चीज़ें होती है, तप दान व्रत धर्म नियम सत्य अष्टविध सिद्धियाँ उक्त गुण प्रभाव के कारण व्यस्त और समस्त रूप से रहते हैं। तात्पर्य है कि अगर असुर आदि ग्रह जो रहेंगे वो इसमें ये जो गुण होंगे कम रहेंगे और दैव ग्रहों में ये संपूर्ण रहेंगे। जैसे कि दैव ग्रह में ये सारे गुण हैं लेकिन जो राक्षस ग्रह हो गए, यक्ष ग्रह हो गए, पिशाच ग्रह हो गए, उनमें क्या रहेगा, ये गुण कम रहेगा और दैव ग्रहों में संपूर्ण रहेगा। तो उत्कृष्ट गुण होने के कारण देवादि जो मनुष्यों के साथ में नहीं बैठते ना तो वो मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं, किंतु जो लोग फिर भी अज्ञान से मनुष्य शरीर में इसका प्रवेश मानते हैं उनको भूत विद्या से अनभिज्ञ ही समझना चाहिए। इस प्रकार वे स्वयं शरीर में प्रवेश नहीं करते अपितु इन ग्रहों के जो असंख्य अनुचर हैं अर्थात जो रक्त और मांस पर ही निर्भर रहते हैं वो भयंकर रात्रि में भ्रमण करने वाले देव आदि के परिचारक ही मानव देहों में प्रवेश करते हैं। अर्थात कि देव आदि जो ग्रह होते हैं वो तो अच्छी चीज़ें हैं जिसमें कि तप दान व्रत धर्म नियम सत्य ये सारी सिद्धियाँ हैं, इन गुणों से युक्त हैं, समस्त रूप से हैं। तो असुर आदि ग्रहों में ये कम रहेगा, देव ग्रहों में संपूर्ण रहेगा। तो उत्कृष्ट गुण होने के कारण देव आदि तो मनुष्य में के साथ नहीं बैठ सकते, उनमें प्रवेश नहीं हो सकते, किंतु जो लोग फिर भी अज्ञान से मनुष्य शरीर में इसका प्रवेश मानते हैं उनको भूत विज्ञा से वो अनभिज्ञ हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि ये सारे ग्रह शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी तो इन ग्रहों के जो भी असंख्य अनुचर हैं जो रक्त मांस पे निर्भर रहते हैं वो प्रवेश करते हैं भयंकर और रात्रि में भ्रमण करने वाले देवादि के परिचारक। अर्थात कि देवादि ग्रह जो कि अच्छे गुप्त गुणों से युक्त हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं करते, परंतु जो मनुष्य ऐसा बोलता है कि ये क्या करते हैं प्रवेश करते हैं वो क्या रहता है, अज्ञानी रहता है, उसे ज्ञान नहीं रहता। जो इन ग्रहों के क्या बोलना चाहिए, इन ग्रहों के अन्य जो असंख्य अनुचर होते हैं जिनको रक्त और मांस पर निर्भर रहते हैं उनको रक्त मांस चाहिए रहता है, ऐसे ही क्या होते हैं भयंकर रात्रि में भ्रमण करने वाले देव आदि के परिचारक में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु देव ग्रह कभी भी शरीर में ऐसे प्रवेश नहीं करते, ये यहाँ पे कह दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भूतोन्माद जो होता है वह समाप्त होता है। इसमें हमने सभी देखा, देव ग्रह देखा, पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस असुर ठीक है सर्प ग्रह, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इन ग्रहों के से पीड़ित इसको कहा गया कि ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे कैसे पीड़ित होते हैं, ये कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं कब नहीं करते, इसके बारे में एक व्याख्या यहाँ पे दी गई थी। तो इस प्रकार से आज ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।